नहीं नहीं क्या मिलाया बीच में वो नहीं बताऊंगी जी कुछ चज दी गल तो कर दो ती कल दे व्लॉग च चज दी बकवास नहीं कीती कोई भी चंगा थोड़ा लगता है मतलब मजा आ गया सुनो ऐसा मौसम है इस मौसम का नाम पियर चिल्ड तो यहाँ पे हो रहा है व्लॉग एडिट जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो तो वो हम करते हैं आज के दिन की शुरुआत सो गाइज ये डोमलूर क्लब है मतलब बैंगलोर एमजी रोड के बाद ये एरिया आता है डोमलूर तो मतलब इट्स क्लब हाउस जैसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब लोकनवाला स्पोर्ट्स क्लब और जितने भी मतलब बड़े बड़े सिटीज के अंदर स्पोर्ट्स क्लब होते हैं तो ये भी एक वैसा है ये जहाँ हम शादी पे आए हैं उनके फ्रेंड के मेंबरशिप थी तो उनको इसलिए मिल गया था ये इन जनरल स्पोर्ट्स क्लब ऐसे मिलते नहीं है आपको शादी वादी के लिए आपका मैं आपको ज़्यादा सीन बता नहीं पाया सबसे पहले तो व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जिम वाले हैं आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड एवरीवन इज़ फाइन तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं तो मैं ज़्यादा बताने का बिकॉज सेटिंग करने में ना बहुत टाइम लग गया था रूम वूम लेने में अरेंजमेंट्स करने में और दूसरा एक क्रिएटर की लाइफ में हमेशा एक बैरियर आता ही है जब रिस्ट्रिक्शन पैदा होती है कि व्लॉग ऐसे नहीं शूट करना अभी ये नहीं करना बिकॉज मना किया गया शादी वाला नहीं तामझाम अब बताना उनकी अपनी प्राइवेसी है उस चीज़ को हम तंग नहीं करेंगे तो आजकल मैंने ऐसा है कि हम लोग अभी ब्रेकफास्ट यहाँ नहीं करने वाले हैं अंकल ने बोला जो दोस्त के फादर हैं कि हम लोग बाहर चलेंगे लोकल ब्रेकफास्ट करेंगे लंच करेंगे और एक दो मेरे को पजामा भी लेना है यार वो आज के आउटफिट के लिए ना मेरा पजामा फट गया है तो मतलब वो लेना है बिकॉज घर बैठे बैठे थोड़ा मट्टू बड़ा हो गया हमारा तो उस चक्कर में हम थोड़ी सी पेट को ना ध्यान में नहीं रख पाए बाहर जाएंगे बाहर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बट मैं आपको अभी भी एक आश्वासन दिलवाता हूँ कि ये अभी 3 दिन की बात है बिकॉज शादी का माहौल है तो यहाँ पे मैं शूट नहीं कर रहा हूँ बट उसके बाद मैं बैंगलोर में ही हूँ बैंगलोर के बाद मैं एक और जगह जाने वाला हूँ घूमने वो जगह ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली बट हाँ ऐसा नहीं कि बैंगलोर इंटरेस्टिंग नहीं होगा बैंगलोर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलेंगे मेरी एक और फ्रेंड है उसके पास मेरा स्टे होने वाला है अगले 7-8 दिन के लिए तो समझ लो 14 तारीख तक आपको व्लॉग्स ही व्लॉग्स मिलेंगे सिर्फ 2-3 दिन की बात है फिर भी जो जो मेरे पास कोशिश हो पा रही है मैं आपको व्लॉग्स दिखा रहा हूँ ओके गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा था यहाँ पे घर बहुत प्यारे बने हुए हैं लोगों के मतलब ग्रीनरी बहुत है हर घर के बाहर पेड़ ही पेड़ बहुत ज़्यादा है और अलग सा ही आर्किटेक्चर है मतलब मेरे को पुणे कोरेगांव पार्क कल्याणी नगर वैसा टाइप का लगा इसका आर्किटेक्ट बाकी है तो अच्छी जगह यार ये वो एक ही टावर दिखा भी जहाँ पे फ्लैट्स हैं बाकी सब बंगलोज बंगलो है हमारा डोमलूर ये रहा अरे आंटी पैप वाला काम चक दिए थे स्ट्रीट का नाम है 2nd Cross Road और बाकी नीचे कुछ मंगलू कुछ तो लिखा है वो समझ नहीं आएगा मेरे को अभी तो वहाँ तक वॉक करने गया था थोड़ा पापा वगैरह से बात कर ली तो अभी अंदर जाके सिनारियो देखते हैं रेडी होते हैं फिर आज का प्लान करते हैं वीर जी कुछ चज की गल तो कर दो कल दे व्लॉग से चज की बकवास नहीं की कोई भी चंगा थोड़ा ना लगता है तो जाना घूमन अज कित घूमन जाना नाल कुछ बाहर खावांगे सो गाइस आज हम निकर में निकलेंगे बाहर बिकॉज हम बाहर घूमने जाएंगे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग एमजी रोड की तरफ जाएंगे ऐसा अभी तक हमें पता लगा है प्रमाणों द्वारा ये स्थापित किया गया है तो आप मेरे साथ घूमना और यहाँ तक वीडियो देख चुके तो लाइक करना सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना फिलहाल थोड़ी सिंगापुर के लिए इंस्टाग्राम थोड़ी सी इंस्टाग्राम के लिए अच्छी फोटोज़ खींच लीजिए फिर मैं आपको मिलता हूँ ऑलवेज ये हमारी आंटी हैं और आंटी बड़ी खतरनाक हैं आंटी फुल ऑन कॉमेडी है तो आज आंटी अब एमजी रोड साथ में घूमोगे ना मेरे यस 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 आज फुल ऑन आंटी बैंगलोर पहले आएंगे वो लोग गले में हाथ डाल के घूमोगे बस चिंता मत कर चिंता मत कर दोनों जन गले में हाथ डाल के घूमेंगे हम लोग कोई तकलीफ नहीं यार कुछ कैमरे दर्शकाली बोलते यार थोड़ा अच्छा लगता है यार मैंने बोल यार तू शर्मा क्यों रहे मैं की बोला दस ना तो कितना बढ़िया बंदा अच्छा सुन आज यही बाहर जाऊंगा आज बियर पियेंगे ठंडी ठंडी यार बैंगलोर आए बियर पियेंगे ठंडी ठंडी मैं इतना गल कर नहीं चल आफ्टर ऑफ द कैमरा ऑफ द कैमरा हम बात कर लेते हैं ओके गाइस हां दस नैनो लेंस थोड़ी है थैंक यू सर हां वो द्वारा नहीं मैं एमजी रोड अच्छा swear i won't forget तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एमजी रोड जिसको कि बोला जाता है महात्मा गांधी रोड अच्छा मेरे को पता ही नहीं था मैं एमजी में पता नहीं क्यों होता एमजी नहीं पता हर जगह एमजी मेरे को नहीं पता था महात्मा गांधी रोड हर जगह एमजी रोड एसवी रोड ये सब मतलब एसवी रोड स्वामी विवेकानंद रोड हो गया एमजी रोड महात्मा गांधी रोड हो गया कल को अगर हमने कुछ अच्छा कर दिया तो हमारे नाम पे भी रोड बन जाएगी इसी बात पे ठोको ताले क्यों भैया बिल्कुल तो अभी भैया हमें लेके जा रहे हैं आंटी हमारे साथ हैं हम जा रहे हैं एमजी रोड पे शॉपिंग वॉपिंग करेंगे कुछ खाने पीने को ढूंढेंगे अच्छा अच्छा मतलब कन्नड़ स्टाइल में वैसे ब्रेकफास्ट तो हमारा अच्छा हो गया डोसा खाया हमने मेदू वड़ा खाया इडली खाई
अब आंटी और कुछ खाने की तमन्ना है? कुछ हम मिलेगा अच्छा तो खा लेंगे। गोलगप्पे, पानी पूरी, पानी पूरी खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, जो नहीं खाया वो खा लेंगे। This, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. चटनी, चटनी आपकी साउथ की इडली डोसा के साथ ड्राई पाउडर रहता है रेड कलर का, वो किधर मिलेगा? जो मैं तो मिर्ची वाला, लाल मिर्ची वाला। हाँ, लाल मिर्ची वाला। ये यहाँ खुद करना पड़ता है, ऑटो है ये, ऑटो खुद चेक करके पार्क कर दो। हाँ सर, सर जरूरत नहीं किसी को बोलने की, बोलने कार्ड डाला स्लिप में ले गया, जानते हो तो कर सकते हो। ओके ओके, ये बढ़िया जुगाड़ है इनका यार। सो गाइस, वी आर एट एमजी रोड। तो जो कैब वाले भैया हैं उन्होंने हमें उतार दिया है, बोला कि आप लोग वॉक करके अंदर घूमो जाके, और यहाँ पे स्पेशली मास्क की बहुत सिकनेस है। बोल रहा है कि भाई 250 रुपये लग जाएंगे अगर मास्क खोला गलती से भी। तो यहाँ पे कैफेज हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब फूड जॉइंट्स वगैरह बहुत सारे। शॉपिंग का तो इस तरफ नहीं, आई थिंक वो उस तरफ होगा। तो पहले हम ये वाले सारे घूम लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to... आप साथ में हो तो काम भी हो जाएंगे ना? खाने पीने वाला काम जरूरी है आंटी। हाँ तो हम काम, हम भी खाने पीने के शौकीन हैं। बस हमारी जोड़ी इसी तरह आगे चलेगी। चलेगी समझ गए तुम? हाँ, बहुत अच्छे से समझा। क्या हो गया, गर्मी लगी? नहीं, गर्मी का चुन्नी के लिए चश्मा का है? So guys, सीन अभी ऐसा है कि यहाँ पे हो गया गर्मी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग कुछ खाने के लिए भी ढूंढ रहे हैं। आपने मार्केट्स वगैरह देख लिया, एम जी रोड इज़ लाइक एवरीवेयर इन इंडिया। शॉपिंग के लिए होता है, खाने के लिए होता है, रेस्टोरेंट्स होते हैं। कुछ और अच्छे से रेस्टोरेंट्स हैं वो मैं ये जो हम शादी पे हैं उससे फ्री होने के बाद सारा शूट करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम स्टिल बिजी विद द फैमिली, विद द वेडिंग फैमिली। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा। तो हम ड्राइवर को उठाएंगे, ड्राइवर को उठाने के बाद विल गो फॉर गुड लंच, थोड़ा चिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखते हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन। सोनी, ऐसा मौसम है, इस मौसम का नाम बियर, चिल्ड बियर। कान चपा दो, नक चपा दो, अख चपा दो, नहीं बस इतने पानी है, ज़्यादा नहीं पानी। बोल यार, उतों की हम वेले हो के ना रोटी खा के हाँ? फिर आप रूम च करते हैं चल फिर। ओके, अभी खाना खाया हम लोगों ने संदूर कॉफी हाउस में। मतलब क्या खाना था, आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। मतलब ऐसा खाना मैंने अपनी ज़िंदगी में, मतलब उंगलियां चाटता रह गया मैं, उंगलियां चाटता रह गया। वड़ा था, फिर चावल था, फिर एक परांठा था जो मैंने स्टार्टिंग में दिखा था कैसे बना रहे थे, पूरा मैदा था ठीक है, बट भाई मैं और प्रभजोत तो एंड में उठे हैं, बाकी तो क्या ही बोलूँ, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। अभी प्लान ऐसा है, मेरे को पजामा लिया नहीं, अभी तक पजामा लेना है मेरे को, तो हम लोग शायद होटल जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ बाद में ऊपर करके आ जाऊंगा वापस, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरी पजामा, वरना पजामा नहीं तो मैं शाम को कुछ पहन नहीं पाऊंगा। सो दैट्स द मेन एजेंडा गाइस। गाइस मैं जा रहा हूं पजामा लेने, मेरा पजामा जो है वो फट गया था, मैंने बताया था लास्ट आपको, तो मैं अभी ले लेता हूं जाके फटाफट, क्योंकि बिना पजामे के ना अपनी जो है ना वो बस हो जाएगी,
कुर्ता तो है ही अपने पास, पजामा पहना जाएगा। वो आ गए अब्दुल भाई, थैंक यू अब्दुल सर आने के लिए। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में वो कपड़ों की दुकान आई थी ना एमजी रोड से पहले, फैब इंडिया वगैरह, फैब इंडिया पे जाना है जी जी, मतलब एमजी रोड पे उससे पहले जो दुकान दिख गई थी। So lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost. और आज का मेरा आउटफिट कुछ ऐसा है, मतलब इसको कुछ जैकेट भी है पर जैकेट पहनने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा गर्म माहौल है बाहर, गर्मी है तो मैंने जैकेट नहीं कंसिडर की पहनना। तो ये कुर्ता मिल गया फाइनली भाई फैब इंडिया से जाके, तो ये बॉम्बे से बनवा के लाए थे। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना इंडियन अटायर के लिए। मिलते हैं जल्दी बाहर, थोड़े से पैक शेक लाने हैं तो माहौल बनाने हैं। सो गाइज फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, बट अभी थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ, आज एंगेजमेंट सेरेमनी और शगुन भी है, तो एज आई टोल्ड मैं दिखा नहीं सकता। पर इससे पहले जो आप लोगों ने पूरा बेंगलोर का मतलब जो एक ऑथेंटिक फूड कल्चर देखा, कैसे लोग यहाँ पे पत्तल पे रख के बनाना लीफ पे रख के खाना खाते हैं, और उसके अलावा हमने एमजी रोड देखा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखे, थोड़ा सा खाने वीने के इधर उधर के, प्रॉपर अभी भी बोल रहा हूँ प्रॉपर वीडियो जल्दी आएंगे, बस एक दिन और दे दो। तब तक आप अगर ये व्लॉग यहाँ तक देख चुके तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन फॉर द चैनल्स मोटिवेशन। बाकी अगर मैं अभी जाता हूँ वहाँ पे कुछ मेरे को कॉन्टेंट दिखता है, दूल्हा दुल्हन तो मैं नहीं दिखा सकता, मेरे को मना किया गया है, वो फिर एक ब्रीच हो जाता है प्राइवेसी की, सामने वाली पार्टी गुस्सा कर देगी मैनू फिर। सो गाइज ऐसे कुछ स्टेज लग रही है अभी, और ये एरिया है यहाँ पे सारा सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह किया जाएगा, तो अभी बस थोड़ी देर में शगुन और बाकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएंगी। बस ये कुर्सी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, दूल्हा दुल्हन नहीं दिखा सकता। सो प्लीज, कुछ चीज़ें होती हैं जो छुपानी पड़ती हैं कभी कभी, इसमें कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है, बट ठीक है, हर एक की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो चाहे जिस मर्जी अंदाज में हो, तो हम इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए आज का फंक्शन इन्जॉय करते हैं। बड़े सुंदर लग रहे हो। थैंक यू बच्चा, बुड्ढे आदमी कहाँ सुंदर लगेंगे। बुड्ढे आदमी जो होते हैं ना, उनकी सुंदरता में ताजगी होती है, एक ताजगी होती है। साड़ी का रंग बड़ा प्यारा लग रहा है। धन्यवाद। तो आज खाने में क्या क्या पेलना है बताओ, क्या पेलना है? देखो स्टार्टर तो यहाँ पे कल वाले आएंगे जैसा, पर खाना बहुत बढ़िया आ रहा है, तो वो हम बहुत कुछ आ रहा है। वेज नॉन वेज दोनों है? दोनों है। आप तो खाते हो, दोनों वेज खाते हो? बस तो मेरा तो भाई पक्का काम है, मैं और मेरी आंटी दोनों मिलके खाएंगे, एक वेज खाएगा, एक टिक्का खाएगा, एक चिकन टिक्का खाएगा। तो अंत भला तो सब भला, तो ये एक प्रथा है जो मेरे को रोज़ करनी होती है, बट आज मेरे को ज़्यादा बार करनी पड़ेगी बिकॉज मेरा पाँव थोड़ा सा ज़्यादा सूज गया। तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, मतलब कि दोनों फैमिलीज बहुत खुश थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट सेट हो गया था, लोग कम थे बट खुशी होती है ना, कोई कहावत है ना कि जब लोग अच्छे हैं और खुशियाँ ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी निकले तो माहौल अपने आप बन जाता है। तो ठीक है, जग चंगा तो सब चंगा, जग हम चंगे तो जग ज़्यादा चंगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये बेंगलोर सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, मैं और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा, मेरे को थोड़ा सा वक्त दे दो। एक तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर सकता, मैं अगर मानो आपको बोलूँ तो अगर मैं सारा दिन में आधा घंटा भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को आधा घंटा रेस्ट करनी पड़ती पाँव के चक्कर में। ऐसा कुछ बहुत पेन नहीं है, दर्द नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, बट वो है ना एक आराम चाहिए पाँव को। तो उसी बात के लिए थोड़ा सा दया भाव से अपने भाई के लिए कर दो यार, कि भाई मेहनत कर रहा है, उसके लिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी, टेक केयर, लव यू, जय माता दी, राम राम ते, सत श्री अकाल ते, अपने अपना ध्यान रखो। I can't move on till I let go.